आप भी आपके लैपटॉप पे फिर पीसी में व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जैसे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल की तरह आप उसे यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया। आपको ब्राउजर से जाने की जरूरत नहीं है और आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपको जो ब्राउजर से आप गूगल पर जाएंगे और उसके बाद फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम सर्च करके वहाँ पर लॉग इन करके आप साइट पर जाएंगे। तो ये आपको डायरेक्टली मोबाइल की तरह जैसे आपने ऐप ओपन किया आप डायरेक्टली फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। मैं अविनाश और आप देख रहे हैं स्पीटेक प्रो। तो चलिए मैं आपको पीसी स्क्रीन पर दिखाता हूँ किस तरह आपको ये ऐप जो है वो डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने। सब्सक्राइब करें स्पीटेक प्रो चैनल को और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे टास्क बार में आप देख सकते स्टोर का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप ऊपर देख सकते हैं होम गेमिंग एंटरटेनमेंट प्रोडक्टिविटी डील जो कैटेगरी यहाँ पर ऊपर आपको दिखा देगा। अगर आप चाहे तो जो कैटेगरी आपको सर्च करने कैटेगरी पर क्लिक करके आप उस कैटेगरी के ऐप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐप मिलते हैं जो कि बहुत सारे ऐप फ्री है और बहुत सारे पेड ऐप भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो हमें सिंपली व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे ऐप डाउनलोड करने था, हम यहाँ सर्च पर क्लिक करके यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे व्हाट्सअप, तो हमारा जो व्हाट्सअप है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हम यहाँ व्हाट्सअप सर्च करेंगे तो व्हाट्सअप के जो सर्च रिजल्ट है वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम यहाँ से व्हाट्सअप डेस्कटॉप जो है एक नंबर जो आया है इसे क्लिक करके ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ ओवरव्यू देख सकते हैं और सिस्टम रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर दिखा देगा। आपका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज 10 वर्जन 143.16.0 और हायर चाहिए, और जो आर्किटेक्चर है आपका वो आर्किटेक्चर 64 बिट होना चाहिए, तभी आप इस व्हाट्सएप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ गेट बटन पर क्लिक करना है। गेट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइस ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका डाउनलोड होगा। तो हम फिलहाल जो है नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे और जो हमारा डाउनलोडिंग है वो जो स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं नो थैंक्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ इंस्टॉल का बटन मिला है। तो हम यहाँ इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं डाउनलोडिंग का एरो आया है और उसके सामने 1 लिखा आया है, तो हमारा डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग चालू है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सअप का डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। इस तरह हम हमारा जो दूसरा ऐप है वो डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे इंस्टाग्राम और सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम के जो भी रिजल्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले जो इंस्टाग्राम आया है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आया है, तो आप यहाँ इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट में विंडोज 10 वर्जन 10240 और हायर वर्जन चाहिए, और जो आर्किटेक्चर है 32 बिट का भी रहेगा तो भी आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और आपको यहाँ पर डायरेक्टएक्स 9 का सपोर्ट चाहिए और मेमोरी कम से कम 2GB होनी चाहिए, यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और रिकमेंडेड जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर फेसबुक टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो फेसबुक के जो सर्च रिजल्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें से सबसे पहला फेसबुक जो आया है इस पर क्लिक करेंगे हम, और उसके बाद हम यहाँ पर भी इसका ओवरव्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट रिव्यू वगैरह जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी चेक कर सकते हैं। और जैसे आप गेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसे इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी जो मेरे दोनों भी ऐप है वो डाउनलोड हो चुके हैं। मैं यहाँ नीचे सर्च बॉक्स में टाइप करूँगा व्हाट्सअप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप का जो ऐप है वो हमारे सामने आ चुका है। तो हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो जो सिंपली हमारा व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप का ऐप है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। आपको व्हाट्सअप स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ मेथड्स दिए गए, इन्हें फॉलो करके आप आपका व्हाट्सअप जो है वो पीसी में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका मोबाइल में जो है
वो व्हाट्सएप स्टार्ट करना होगा, और उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो आपको मेनू या फिर सेटिंग पर जाके वहाँ पर आपको व्हाट्सएप वेब का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल से आपको ये जो QR कोड है वो स्कैन करना होगा। उसके बाद आपका व्हाट्सएप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है मैं मेरा मोबाइल से एक QR कोड स्कैन करता हूँ तो मेरा जो व्हाट्सएप है वो मेरा PC में चालू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो व्हाट्सएप है वो मेरा PC में चालू हो चुका है। इसी तरह आप भी आपका व्हाट्सएप PC में स्टार्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा हमने ऐप इंस्टॉल किया था फेसबुक, तो हम यहाँ सर्च पर टाइप करेंगे फेसबुक, तो सर्च रिजल्ट में हमारे सामने जो है फेसबुक आ जाएगा। जो यहाँ ओपन बटन आया है इस पर क्लिक करके हम फेसबुक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ आपका जो ईमेल आईडी या फिर आपने जो नंबर पे फेसबुक खोला है वो यहाँ पर टाइप करना है, और उसके बाद आपका पासवर्ड यहाँ पर टाइप करने के बाद आप सिंपली लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप नया आईडी खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे साइन अप फॉर फेसबुक पर क्लिक करके नया अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, और ये आपको सिर्फ एक ही बार करना होगा। जैसे कि आप मोबाइल में यूज करते हैं एक बार साइन इन करने के बाद आपका हमेशा लॉग इन रहता है, उसी तरह आप यहाँ पर भी हमेशा लॉग इन रहेगा। और इसी तरह आप बहुत सारे ऐप जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम जैसे ऐप जो है आप PC में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।